एक कहानी सुनी थी, बहुत सुंदर कहानी, हालांकि अमिताभ बच्चन ने कही हुई कहानी थी। दोस्तों एक कहानी सुनी मैंने, एक क्लास के अंदर 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने बोला, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोले, मैं बड़ा हूं इसलिए मैं तेरे को थप्पड़ मारा। फिर तो क्या, पूरे क्लास में लग गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा। जब दोनों एक को मारा तो 0 समझ गया, लपक के बैठ गया, बोले अब मेरी बारी आने वाली है। तो एक 0 को बोलता, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। हाँ सच्ची में तुम इतने अच्छे हो? बोला हाँ मैं नहीं मारूंगा। तो एक के बगल में आके वो 0 बैठ गया, और एक के बगल में जब 0 बैठ गया तो 10 बन गया। अब जब वो 10 बना, उसने कहा कि सबने, जो बड़े थे सबने छोटे को थप्पड़ मारा, लेकिन आपने क्यों नहीं मारा? बोले देख, बड़ा वो नहीं होता है जो छोटे को थप्पड़ मारे, बड़ा वो होता है जो छोटे को बड़ा कर दे, जो 0 को 10 कर दे, वो सबसे बड़ा होता है। और ये काम आपको आईओई सिखाती है, कभी किसी को थप्पड़ मत लगाओ, हमेशा सबकी वैल्यू बढ़ाओ। हमेशा हर के सेशन में हम कहते हैं, दीपक भाई भी कहते हैं, कल्चर है आईओई का। क्या कल्चर है मालूम है? अगर आपने 100 पॉलिसी किया ना, आपके डीओ के टीम में या आपके सीएलआई के टीम में कोई 50 कर रहा है, उसका मिशन लो कि तेरा इस साल का 100 पॉलिसी मैं करवाऊंगा, और उसका 100 करवाओगे तुम्हारा 200 हो जाएगा। किसी को बड़ा करो वो हमारा काम है, किसी को नीचे दिखा के ऊपर अपने को आना नहीं है। ये आईओई का कल्चर है, ये आईओई की संस्कृति है। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो नए होंगे, तो उन लोगों को मैं कहता हूं कि आईओए के साथ में जुड़े। आईओए के जितने भी जो भी कोर्सेस है, लिस्ट है बहुत लंबा, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर में सारे सेशन चलते रहते हैं। हमारे प्रभु देसाई जी ने एक बहुत सुंदर प्यारी सी वीडियो कुमार विश्वास की भेजी। महाभारत कंप्लीट हो चुका था, अर्जुन जीत चुके थे लड़ाई, रथ के ऊपर अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों बैठे हुए थे। कृष्ण भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन रथ से उतरो। अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप रथ से पहले उतरो। कृष्ण भगवान ने जिद की, अर्जुन आपको पहले उतरना है। युधिष्ठिर देख रहे थे, तो युधिष्ठिर को कहीं ऐसा लगा कि अर्जुन को थोड़ा घमंड आ गया है कि कहीं ना कहीं ये जीत हासिल कर ली और इसमें बहुत बड़ा होद्दा उसका था और बहुत बड़ा रोल उसका था, तो इसके लिए वो मधुसूदन के साथ इस तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो युधिष्ठिर ने आदेश दिया, अर्जुन जब कृष्ण कह रहे हैं, मधुसूदन कह रहे हैं, तो पहले आप उतर जाओ। उसके बाद में वो उतरे, 5 कदम वो आगे गए, और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान उतरे, और वो भी जब 5 कदम आगे गए तो रथ के अंदर में ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जब युद्ध के समय बहुत लोगों ने ऐसे कुछ शस्त्र डाले हुए थे कि जिससे वो रथ जो है वो रथ ब्लास्ट होने वाला था, ये मधुसूदन को मालूम था, कृष्ण भगवान को मालूम था, और जब वो उतरे तभी वो ब्लास्ट हुआ। अब अर्जुन को तो समझ में तो आ ही गया कि मधुसूदन ने मुझे पहले उतारने के लिए क्यों कहा। समझ में आया तो उन्होंने और एक प्रश्न पूछा, कृष्ण अगर तुम्हें मालूम था कि ये ब्लास्ट होने वाला है इसलिए तुमने मेरे को पहले उतारा, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन तुम जब तक थे तब तक ब्लास्ट नहीं हुआ या नहीं होने वाला, ये तुम्हें कैसे मालूम? मधुसूदन हूं मैं, जब तक इस रथ में मैं था तब तलक असुर शक्ति इस रथ का कुछ अनर्थ नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे अगर मैं उतर लिया होता तो तू जब रथ में था तो ब्लास्ट होता और तेरा नाश होता। यह स्टोरी से मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, कितना भी काम कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करवा रहा है वो, सब कुछ वो करवा रहा है। कितने भी बड़े बनो लेकिन कभी जिंदगी में इस चीज का घमंड, किसी भी चीज का, डाउन टू अर्थ रहो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। यहां पर ना
कौन आदमी के साथ, कोरोना के अंदर में आपने देखा कौन आदमी के साथ क्या होने वाला है, कुछ मालूम नहीं। अगर मैं अभी कोरोना की बात करूं तो कोरोना में जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, जो अस्पताल में थे वेंटिलेटर पे, कोई 70 दिन वेंटिलेटर पे रहा, कोई 100 दिन वेंटिलेटर पे रहा, कोई 2-2 महीना 3-3 महीना वेंटिलेटर पे रहा, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को वो परिवार वाले और वो अस्पताल बचा नहीं पाया। अब जरा सोच के देखो आप कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेंटिलेटर पे रहना इसका मतलब क्या। कम से कम 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, कई जगह पे मुझे मालूम है 2-2 करोड़ के बिल आए। अभी राजू श्रीवास्तव कितने दिन वेंटिलेटर पे रहे, करीब 45-50 डेज तक वेंटिलेटर पे यह आदमी, वो भी एम्स जैसे अस्पताल के अंदर में रहा। कितने का बिल आया होगा, कम से कम मान के चलो 2 करोड़ से नीचे नहीं होगा। ठीक है वो 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति के धनी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 2 करोड़ मायने तो रहता है। इसको मैं कहता हूं दिस इज लास्ट लाइफ एक्सपेंसेस। कौन व्यक्ति की लास्ट लाइफ एक्सपेंसेस क्या होगी, डेट वी डोंट नो। सो बेटर है ना कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से कम मुझे कोई भी जरूरत ना हो। देखो आज 1-2 करोड़ कमाने के लिए राजू श्रीवास्तव को शायद बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, और बहुत मेहनत करने के बाद 1-2 करोड़ कमा के बचाए होंगे, वो भी खर्च निकालने के बाद में बचे हुए 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसी लास्ट लाइफ, हमारे साथ पंकज मेघानी जी है यहां पर, पंकज मेघानी आइए आइए यहां पर 1 मिनट के लिए आइए, जोरदार तालियों से मैं पंकज मेघानी जी को बुलाना चाहूंगा। पंकज मेघानी जी, उनके मिसेस उषा भाभी की बात कर रहा हूं, उनके मिसेस अस्पताल में थे और वो बताएंगे आपको, मेघानी जी बताएंगे कितने दिन अस्पताल में थे और क्या एक्सपेंस हुआ। और जस्ट मैं 1 मिनट के लिए 1-2 क्वेश्चन करना चाहूंगा मेघानी। उषा भाभी कितने दिन अस्पताल में थे? More than 3 months in ICU. ICU में थे, और टोटल मिला के 3 महीने में खर्चा कितना हुआ? अपार्ट फ्रॉम मेडिक्लेम 30-40 लाख मेरे पास, मेडिक्लेम छोड़ के 40 लाख रुपए जेब से गए। अभी 40 लाख रुपए कमाने के लिए और कमाए हुए 40 लाख को बचाने के लिए, क्योंकि 40 लाख बचाने के लिए कम से कम 1 करोड़ कमाए होंगे, 60 लाख खर्चे में गया होगा तब जाके 40 लाख हाथ में बचा होगा। ये 1 करोड़ कमाने के लिए कितना परिश्रम लगता है, एक MDRT 10 लाख पकड़ लो तो भी कम से कम 10 साल एक MDRT करके कोई आदमी 1 करोड़ कमाता है, और वो सिर्फ 3 महीने के अंदर में हाथ में से निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एंड दैट इज अ लाइफ, आपका जो भी लाइफ है राइट, सो लाइफ का लास्ट एग्जिट एक्सपेंसेस के बारे में हमने सोचना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मौत कैसे, और कोरोना के बाद तो सब लोग समझ जाएंगे। मैं मानता हूं जो भी पॉलिसीज है आपके, किसी का 20 लाख का है, किसी का 30 लाख का है, किसी का 50 लाख का है, खाली एक बात करोगे ना, मुझे लगता है वो 10-20-25-50 लाख का एक हाथ पॉलिसी आपको जरूर एक्स्ट्रा दे देगा राइट। सो इसी बात से यहां पे मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।